तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, यस, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मूविंग एवरेज शेयर करूँगा जो पर्सनली मुझे लगता है वो मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करते हो अपने ट्रेडिंग में, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वो मूविंग एवरेज मैं इसको कॉल करता हूँ बाप ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, राइट। तो वो मूविंग एवरेज मैं इसको क्यों बोलता हूँ बाप ऑफ ऑल मूविंग एवरेज, उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वह मूविंग एवरेज रिवील करने से पहले आपके साथ एक छोटा सा, ये सब चीज़ें आप लोग करते हो रेगुलर बेसिस में करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट जब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं आपको इतना गारंटी करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें नहीं करोगे। जैसे कि आप बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, मेरे फेलो यूट्यूबर्स, आप उनके लाइव स्ट्रीम में जाके ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हो, सर कि इसका रिव्यू दीजिए, उसका रिव्यू दीजिए। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, अगर आप इस मूविंग एवरेज को रेगुलर यूज़ करोगे, आप सब को ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, आप डेफिनेटली वीडियो में लाइक करना और शेयर करना, और अपना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, ताकि मुझे पता चल सके यस, ये मूविंग एवरेज आपके लिए काम करता है। और मूविंग एवरेज स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, जिसके बिना ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको ट्रेडिंग में मस्ट है, इसके बिना तो ट्रेडिंग में काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। और जो सेकंड थिंग है वो है आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप तरीके से करते हो तो ये आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन करने में। अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा भी गड़बड़ कर देते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम मैं नहीं देना चाहूँगा, आप इसके लिए YouTube या Google में सर्च मार सकते हो, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं इतना बोल देता हूँ, अगर आपको रिस्क मैनेज करना है अपना, तो आप अपना कैपिटल का 5% ही इन्वेस्ट किया करो किसी स्टॉक में या किसी इंट्राडे पोजीशन में। जो तीसरी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है पेशेंस। यस, पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो। बिकॉज ऑफ पेशेंस ना होने की वजह से लोग अपना ट्रेड पहले ही कट कर देते हैं। पेशेंस आपको कैसे आएगा, उसके लिए आपको मार्केट में लर्निंग करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। चलिए दोस्तों, अब आगे लेके चलता हूँ आपको हमारे उस मूविंग एवरेज की तरफ। तो ये रहा वो मूविंग एवरेज। जिस मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा था वो है आपका 9 सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 9। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है सिर्फ 9 का। 9 मूविंग एवरेज जो होता है वो फास्ट मूविंग एवरेज होता है, जो हमें पहले ही बतला देता है कि मार्केट की मूवमेंट या डायरेक्शन क्या रहने वाली है। इसलिए मैं इसको चूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, राइट। तो अब इसको चार्ट में कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैं भी बतलाऊँगा, और आप इसमें चार्ट में यूज़ कैसे कर सकते हो और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए चार्ट में, तो वो भी आपके साथ मैं इस वीडियो में समझाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, उसकी सेटिंग क्या है वो भी समझना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बार आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ और साथ में आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि स्ट्रैटेजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप एक बार स्ट्रैटेजी समझ लीजिए। आपको पहले ट्रेंड चेक करना है 200 SMA के साथ, ठीक है। एक बार आपने ट्रेंड चेक कर लिया कि स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो आप अगर स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है तो आप बाय के सेटअप ज़्यादा फाइंड आउट करना, राइट। अब आगे के चलता हूँ, फिर आपको 9 मूविंग एवरेज ऐड करना है हैकेनेशी कैंडल के साथ, राइट। जो उसकी फील्ड होगी वो आपको क्लोज करनी है। मैंने इस वीडियो के अभी आगे जब आप जाओगे और मैंने आपको समझाया कैसे उसको ऐड करना, तो देख लेना एक बार, राइट। आगे लेके चलता हूँ, एक चार्ट का एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक चार्ट है, मैंने M&M फिन का ले रखा है, एंड आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका स्टॉक होगा। तो जब आप वीडियो थोड़ा आगे देखोगे तो मैंने पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया है कि 200 SMA से कैसे चेक कर रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमने 9 सिंपल मूविंग एवरेज ऐड किया। अब स्ट्रेटजी क्या है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। देखो, आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल है, जब 9 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे हैकिनेशी कैंडल क्लोज करती है, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, जैसे इसने ये बॉडी क्लोज करी है, आपको दिख रहा होगा।
ठीक है, ये बॉडी क्लोज हो जाती है, तो हमें इसका लो और हाई मार्क कर लेना है और हमें इसके लो में अपना सेल करना है। जैसे आपने लिखा लिखा है मैंने ट्रेड एक्टिव जो है आपका 461 के आसपास, और स्टॉपर्स आएगा आपका 475 का, और टारगेट आपका एटलीस्ट डबल रहना चाहिए, राइट। डबल मतलब जो टारगेट निकल के आता है यहाँ पर वो है 437 के आसपास। ये तो आपको समझ आएगा कि ये आपको ट्रेड कैसे लेना है। अब एक छोटा सा एक टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, वो टिप ये रहेगी कि जब ये जो आपको कैंडल दिख रही है जिसका लो 461 है, आप जो आपको कैंडल दिख रही है, आपको जब ट्रेड लेना है तो आप डायरेक्टली इसके लो में ट्रेड मत लेना। आप ना जब नेक्स्ट दिन ट्रेड डालोगे तो एटलीस्ट एक 15 मिनट का कैंडल ना इस प्राइस के नीचे क्लोज करने का वेट करना। क्या बोला मैंने, 15 मिनट का एक कैंडल इस प्राइस के नीचे, इस जो कैंडल का लो है 461, इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, तब आप अपना ट्रेड एक्टिव करना। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ये आपको टिप क्यों दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जब आप थोड़ा चार्ट में आगे जाओगे, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आगे चार्ट में आप देखोगे कि आपको ना तीन दो या तीन आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ इसी वजह से कि जो इस कैंडल का लो है वहाँ पर इस प्राइस ने सपोर्ट का काम किया, मात्र 20-30 पैसे से लो कटा और वहाँ से यू टर्न ले लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करना 15 मिनट का। इससे क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस बच जाएंगे, जो स्टॉप लॉस आपके होने होंगे वो बच जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी में अच्छा खासा डिफरेंस आएगा, ठीक है। और अगर आपको स्टॉप लॉस का भी सेम होगा, आपको 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने का वेट करना इसके ऊपर, ये जो कैंडल का हाई है 474, तब आप अपना स्टॉप लॉस कट करोगे, उससे पहले आपको कट नहीं करना है। ये एक सिंपल सी टिप है आपके लिए जिसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखो, इसमें मैंने तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में। तो वीडियो को अंत तक देखना, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक और शेयर पक्का करना। तो चलिए अब चार्ट में बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको मैं 5-6 एग्जाम्पल दूंगा, तो आप भी इसको एक बार यूज़ करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले ये मैंने चार्ट खोल रखा है आपका, MNM फिन का खोल रखा है। एंड दोस्तों देखिए, मैं जो कैंडल यूज़ करूँगा वो कैंडल नहीं होगा, वो हैकेनेशी कैंडल होगा, ठीक है। जो जैपनीज कैंडल स्टिक होती है उसको मैं यूज़ करूँगा। तो बाकी इसकी जो डेफिनेशन है और जो इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो एक अलग है, ठीक है। उसके लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर मैं उसको इसमें ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, राइट। तो हम सीधा बैक टू आते हैं जो मेन मेन थिंग्स है। तो दोस्तों अब मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करना है और आपको क्या सेटिंग करनी है वो आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। लेकिन वो चीज़ शेयर करने से पहले आपको स्टॉक का ट्रेंड पता करना होता है कि स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में है, राइट। तो आप ट्रेड अगर उसके हिसाब से लोगे तो डेफिनेटली जो आपकी स्टॉप लॉस के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं, मतलब आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो जाती है अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो, राइट। तो ट्रेंड पता करने के लिए जैसे आपको बताया कि सभी लोग 200 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो 200 मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड पता करेंगे किसी स्टॉक का कि ये डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में है, राइट। तो मैं सिंपल बोलूँगा आप पहले 200 मूविंग एवरेज उसमें लगा लेना किसी भी स्टॉक में और चेक कर लेना कि वो स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो आप सेल के ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना, अगर वो डाउन ट्रेंड में होगा। अगर वो अप ट्रेंड में होता है तो आप प्लीज़ अब तो आप बाय के सिग्नल ज़्यादा फाइंड आउट करना, इससे आपकी एक्यूरेसी में काफ़ी फ़र्क दिखेगा आपको। तो मैं सिंपली देख सकते हो मैं पहले क्या करूँ, चेक करूँगा कि ये स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में। उसके लिए मैं सिंपल मूविंग एवरेज में जाऊँगा, यहाँ से मैं 200 मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा और जो सेटिंग रहेगी क्लोज है, या मैं जो फील्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ओपन हाई लो क्लोज, लेकिन मैं जो सिंपली यूज़ करता हूँ अपने के लिए वो मैं करता हूँ क्लोजिंग बेसिस में। तो मैं क्लोजिंग बेसिस में क्लिक करूँगा और टाइप आपका सिंपल रख रहा हूँ मैं, राइट। ऑफसेट आपका 0 रहेगा और डन कर दीजिए। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये जो स्टॉक है आपका काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है, देख सकते 2019 से लगातार ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये पहले आपका 2017 के आसपास अप ट्रेंड में था, देख सकते हो जैसे ही ये अप ट्रेंड में था तो काफ़ी अच्छी इसने मूव दी, लेकिन जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोजिंग करी और थोड़ा टाइम बिताया, देख सकते हो ये ना, राइट। जैसे टाइम बिताया दोबारा ऊपर गया और इसी रेजिस्टेंस, ये जो मूविंग एवरेज है 200 का, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना और दोबारा नीचे आ गया। इट मीन्स ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, हमें इसको बाय के जो अपॉर्चुनिटी कम ढूंढनी है, हमें यहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
अब बैक टू चलते हैं हमारे मूविंग एवरेज की तरफ। तो मैं अब इसको इसको 9 मूविंग एवरेज कर दूंगा। हमें पता चल चुका है कि ये शेयर आपका डाउन ट्रेंड में है, तो मैं 9 मूविंग एवरेज यूज़ करूंगा। सेटिंग आपको पता है क्लोज और सिंपल रहेगी, तो मैंने लगा दिया। और मैं जो कैंडल यूज़ करूंगा, जैसे मैंने बताया आपको, हाकेनेशी कैंडल यूज़ करूंगा, जैपनीज कैंडल स्टिक है, इसमें क्लिक कर दूंगा मैं। अब मैं यहाँ से सिंपली आपके सेल के ज़्यादा कॉल फाइंड आउट करूँगा, बाय की मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाय में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है, वो हम चेकआउट करते हैं। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो भी आपके साथ मैं भी बतला देता हूँ आपको। तो मैं आपके लिए सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, इसके लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपके पूरा प्रॉपर समझा देता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे करना था। ठीक है, हमें अब ट्रेड कैसे करना है मैं आपके साथ पहले वो शेयर कर देता हूँ। सिंपली आपको जो यूज़ करना है, हैकेनेशी कैंडल यूज़ करनी है और आपको वेट करना है एक प्रॉपर क्लोजिंग का। ठीक है, एक बॉडी क्लोज कर दे, ये कैंडल हमारी क्लोज हुई, देख सकते हो यह आपका ये 2 जनवरी 2019 के आसपास, तो देख सकते हो ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज कर दिया है और बॉडी भी क्लोज हुई है। देख सकते हो बॉडी इसकी नीचे आ रही है इसके, तो हमारा ट्रेड यहाँ एक्टिव हो चुका है। तो हमें अब ट्रेड कैसे लेना है, इस कैंडल के लो में आप सेल करोगे, मतलब जब इसका लो ब्रेक होगा तो आप इसमें सेल करोगे और स्टॉप लॉस जाएगा इस कैंडल का हाई, जो इस कैंडल का हाई है आपका 475 के आसपास आता है, और टारगेट जो रहेगा आपका कम से कम 1:2, मतलब अगर आपने 461 के आसपास सेल किया है और आपका स्टॉप लॉस 475 है, तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है 15 रुपये का, तो आपका जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट 30 रुपये का, कम से कम 30 रुपये का टारगेट आपको इस ट्रेड में लेना पड़ेगा, और जो स्टॉप लॉस है आपका 15 रुपये का। ठीक है, तो इसका मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ काफ़ी अच्छा है 1:2 का। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इमेज के थ्रू, तो इमेज वो वेरी आप देख सकते हो, इससे आपको आसानी होगी। देख सकते हो स्टॉप लॉस आपको मैंने मार्क करा हुआ है 474 के आसपास, एंड ट्रेड एक्टिव हुआ आपका 461 के आसपास, टारगेट डन हुआ हमारा 435 के आसपास। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेड प्लान हुआ और हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए। ये जो शेयर था आपका M&M फिन, देख सकते हो हमने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करा और ये शेयर काफ़ी नीचे तक गया, लेकिन हमने जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, हमने 1:2 में ही प्रॉफिट बुकिंग करनी है। राइट, तो हमारा इसमें 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। अब आगे लेके चलता हूँ आपको, सेम स्टॉक में देखते हैं कि हमें और क्या सेल अपॉर्चुनिटी मिली है फर्दर, वो एक बार चेक कर लेते हैं। और आपको मैं 2-3 स्टॉक्स भी लेके दिखाऊंगा ताकि खुद से इसको एक बार प्रैक्टिस करो और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, हाँ सर ये स्ट्रैटेजी आपकी काम करती है और काफ़ी अच्छी है। राइट, अगर आप पहले से इसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हो तो बताओ मुझे, हाँ सर ये हमारी हम ये स्ट्रैटेजी मुझे स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करती है। आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे की मैं अभी सलाह नहीं दूंगा, आप इसको अभी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करना। राइट, अब देख सकते हैं दोस्तों ये नीचे जा रहा है, हमें अभी ट्रेड नहीं लेना। अब देखिए दोबारा से ऊपर की तरफ गया, तो आपको जैसे पता है ये जो शेयर है ये डाउन ट्रेंड में है, चाहो तो आप यहाँ बाई कर सकते थे इधर, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में है, तो हमें अब ढूंढना है इसमें दोबारा से सेल का। देखिए दोस्तों बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों ये आप देखिए ये बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, इसमें देखो देख सकते हो ये बॉडी प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाई है, ये कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है, तो हमें इसके लो में सेल करना है और हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपको पता है 1:2 का, तो इसका जो 1:2 टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट होता है आपका इतना, जो हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस के बारे में बतला देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस कैसे कट करना है, वो थोड़ा सा एक फ्री एडवाइस है जिसको मैं प्रॉपर यूज़ करता हूँ ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो सके। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कुछ 1 रुपये से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको टच करने के बाद वो नीचे आ जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं जो यूज़ करता हूँ आपको वो बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का हाई है, जो निकल के आता है 440.50 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मैं क्या करूँगा इसके ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल क्लोज करेगी जब 15 मिनट की, तो मेरा स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी इसके ऊपर, तब मैं अपना स्टॉप लॉस कट करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। अगर आप चाहो तो आप 1 घंटे की कैंडल भी यूज़ कर सकती हो, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो है 15 मिनट की कैंडल। अगर 15 मिनट की कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो देख सकते हो आपके सामने दो रिजल्ट थे, ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहे। और हाँ, अब इसमें आती है जो मैंने आपके साथ 3 रूल शेयर कर रखे हैं, एक है डिसिप्लिन,
आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, और एक है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आपको 5% कैपिटल से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और तीसरा क्या पॉइंट था हमारा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो था पेशेंस। इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा ट्रेड एक्टिव कब हुआ था, 15 मार्च को, और अप्रैल में भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, और हमें जो प्रॉफिट हुआ वो मई के अंत में हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है आपको पेशेंसली वेट करना होता है। देखिए हमने ऑलमोस्ट 1.5 महीना वेट किया तब जाके हमारा टारगेट अचीव हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपका स्विंग ट्रेड है, आपको कम से कम 1 महीना भी और 1.5 महीना भी वेट करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको अपना मनी मैनेजमेंट प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो डेफिनेटली वीडियो में लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ आगे देख लेते हैं अब क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए दोबारा से ये शेयर ऊपर गया, ये शेयर दोबारा से ऊपर गया। ठीक है, हमें यहाँ बाय बनता था लेकिन मैंने क्या बताया, ये शेयर हमारा डाउन ट्रेंड में है तो हम इसको बाय करके नहीं चलेंगे। और दोबारा से देख सकते हो यहाँ पर इसने क्लोजिंग करी, सेल देख सकते हो क्लोज हुआ, इसके लो में हमें सेल करना है, तो इसका लो अभी तक हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, तो हम वेट कर रहे हैं स्टॉप लॉस जाएगा इसके अंडर हाई, यहाँ पर अभी हमारा ट्रिगर नहीं हो पाया। जैसे यहाँ ट्रिगर हुआ हमने सेल कर दिया, और देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो जी हाँ दोस्तों देख सकते हो हमारा 1:2 का टारगेट यहीं अचीव हो गया, और इसने हमें 1:2 से ज़्यादा ही दिया है ट्रेड। देख सकते हो ऑलमोस्ट ये जो शेयर गिरा है आपका 290 रुपये का लो लगाया है, और हमने सेल किया इसको 407 रुपये के आसपास। समझ पा रहे हो ना दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी मूव है। और आपके सामने मैं आपको इतना इतना लालच करने का नहीं कह रहा हूँ, आपको सिंपली आपका जो स्टॉप लॉस है उससे आपको डबल में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अंत में प्रॉफिट में रहोगे, अगर आपके महीने में 3-4 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। राइट, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सिंपली रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना, साथ में अपनी मनी मैनेजमेंट को भूलना मत कभी भी, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। तो देख सकते हो 3 ट्रेड हमारे एक्टिव हुए ऑलमोस्ट इसमें, 2019 से लेकर 2020 तक हमारे 3 ट्रेड एक्टिव हुए, तीनों में हमें प्रॉफिट हुआ। और अगर आप इसे हॉट चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, लॉस भी देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉस नहीं मिलेंगे, लॉस भी मिल सकते हैं, लेकिन लॉस आपका प्रॉफिट के लॉस होता है। अगर आप यूज़ करोगे प्रॉपर स्ट्रैटेजी को तो आपका लॉस छोटा सा होगा, प्रॉफिट आपका बड़ा होगा। इसलिए आपको अंत में प्रॉफिट ही होने वाला, लॉस नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपका यहीं। अब देख सकते हो दोस्तों इस कैंडल ने क्लोज करा, तो हमें यहाँ पर इसने क्लोजिंग करी। ठीक है, तो अगर आप इसको माने तो देखिए दोस्तों इसके लो में हमें सेल करना है। दोस्तों देखिए इस शेयर ने करा क्या, लो तो लगाया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर एक आप बोल सकते हो बफर यूज़ करना है, जो मैंने बताया ना आपको 15 मिनट का प्रॉपर कैंडल क्लोज करे। तो अगर आप यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने का वेट करते नीचे सेल की तरफ, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बचे हट हिट होने से बच सकता था। तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पर। राइट, हम गलत कुछ नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट हुआ हम ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप केयरफुल ट्रेडर हो आपको पता है, तो आप प्रॉपर एक क्लोजिंग का वेट करोगे, तो देख सकते हो यहाँ पर मात्र 10 पैसे 20 पैसे से ही हमारा सेल ट्रिगर हो गया। लेकिन मैं बोलूँगा इसको, अगर आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ऐसे जो ट्रेड होते हैं उसको नहीं लेंगे। क्यों? आप प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करोगे, इस कैंडल के नीचे क्लोज करेगा तभी आप सेल करोगे। एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल जो मैंने बोला है, एग्जिट करने में भी और बाय करने में भी या सेल करने में भी। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको 2 या 3 स्टॉप लॉस बचाने हैं अपने। राइट, जैसे एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हिट हुआ है, और एक अगर आप बोल सकते हो इधर भी हुआ है, और जो हमारा बचा है उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो हमारे यहाँ 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आपको अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा रखना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें दोबारा से यहाँ पर एक ट्रेड मिला, सेम बताया। अगर आप चाहे तो, अगर आप बड़े ट्रेडर हो जैसे मैंने बताया ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका वो गेम बच जाएगा। तो देखिए चलिए मान लेते हैं हमारा एक और स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, हमारे 3 स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुए और 3 हमें प्रॉफिट देके गए। लेकिन जो हमारे प्रॉफिट का जो रेशियो था वो डबल था। राइट, हमारा जो स्टॉप लॉस है मात्र 1:1 का ही है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बढ़े तो हमारा यहाँ पर एक ट्रेड टिगर एंट्री मिला हमें, स्टॉप लॉस जाएगा इसका हाई। तो हमने वेट किया, ठीक है, हमने वेट किया, क्लोज करा, हमने सेल किया, और देख सकते हो हमारा 1:1 तो मिला लेकिन 1:2 नहीं मिल पाया, और हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। राइट, कोई बात नहीं, हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए।
हम अब आगे चलते हैं। तो हमने नवंबर मंथ में देखा, हमने यहाँ इसको सेल किया, इसके हाई पे हमने इसको स्टॉपलॉस लगाया और चेक कर सकते हो हमारा यहाँ ट्रिगर हुआ और हमें आराम से 1:2 की गेम मिल गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ प्रॉफिट हो गया एक और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर इसको सेल किया, दोबारा से हाई का स्टॉपलॉस लगाया और देख सकते हो हमारा दोबारा से 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे 4 स्टॉपलॉस 2 और 6 का हमें ऑलमोस्ट 5 में हमें प्रॉफिट हो गया अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं, अब 2020 आ चुका है, देख सकते हो यहाँ कैंडल ने क्लोज करा लेकिन इसका इसका लो ब्रेक नहीं करा, नेक्स्ट इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ ना ही हमारा ट्रेड यहाँ एक्टिव हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा, अब देखिए दोस्तों इस कैंडल ने क्लोज करा, इस कैंडल ने प्रॉपर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, ठीक है इस कैंडल ने क्लोज करा, हमने इसके लो में सेल किया, ठीक है, और इसके हाई में स्टॉप लॉस लगाया, तो हमने यहाँ सेल किया और देखिए हमें हमारा आराम से 1:2 का रेशियो मिल गया। तो हमारा ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 6 हमें प्रॉफिट देखे गए और हमारे 4 स्टॉपलॉस हिट हुए, मतलब हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ बढ़िया था, हमें ऑलमोस्ट 1:2 में हर ट्रेड हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो 1:2 में किया था, तो हम अंत में प्रॉफिट में ही रहे। हम चाहते तो हम इसमें 1:3 1:4 भी कर सकते थे, लेकिन शुरू शुरू में लालच नहीं करना है। जब आप एक नए ट्रेडर होते हैं तो आपको लालच नहीं करना होता, आपको सिंपली 1:1 में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, आपको 1:2 में ही प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो आप क्या करोगे, जब जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप इसको 1:4 1:5 1:6 पे भी लेके जाओगे, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपने यहाँ सेल किया है तो ये शेयर आपका लगातार 9 मूविंग एवरेज के नीचे ही है और इसने लो लगाया है 145 रुपये का। तो देख सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट आपने 380 में सेल किया और इसने लो लगाया 145 का, तो आपको ऑलमोस्ट 50-60% की रिटर्न मिल गई। लेकिन आप, मुझे पता है कि कोई ट्रेडर यहाँ तक इसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला है, अगर करेगा वो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1:2 में पहले प्रॉफिट बुकिंग करना है, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा लॉट है तो आप उसको कैरी कर सकते हो और स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप उसको ट्रेल कर सकते हो आगे के लिए, आगे टारगेट के लिए, राइट। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जो लोग सभी करते हैं, राइट। तो अब मैं सिंपली आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को किसी भी स्टॉक में लगा के देखिए, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ ये आपको मदद करेगा ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आपका कोई भी और सुझाव है कि क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा, राइट। तो ये सिंपल एक एग्जांपल था MNM फिन का, देख सकते हो इसमें सिंपली हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हुए और हमारे 6 बार प्रॉफिट हुआ, और जो 6 बार प्रॉफिट था वो हमने 1:2 में प्रॉफिट बुकिंग करी। चाहते तो हम 1:3 1:4 में भी कर सकते थे, लेकिन हमें 1:2 ही करना है पहले, अगर आप नए ट्रेडर हो मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप जो भी करें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करें और प्रॉपर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस इज द की अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, राइट। आप इस मूविंग एवरेज को आप किसी भी स्टॉक में लगा के देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ कोई भी स्टॉक, मान लीजिए एक अप ट्रेंड का स्टॉक ले लेते हैं, तो मैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो स्टॉक है आपका देख सकते हो जो आपका मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर खोल दिया है, ये स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो मैं इसको 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करूँगा पहले चेक करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो ये स्टॉक आपका पूरा का पूरा अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट भी लिया अप ट्रेंड के आसपास और दोबारा ऊपर चले गया और दोबारा सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, एक हरा कैंडल बन रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली ऊपर जा सकता है क्योंकि ये अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो हमने इसको क्या करा, 9 में कन्वर्ट करा, तो हम देखते हैं हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली। तो मैं सिंपली 2020 में इसको यूज़ करूँगा, तो एक देख सकते हो दोस्तों हमें एक अपॉर्चुनिटी बाय की यहाँ मिली, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करी, देख सकते हो बॉडी हमने यहाँ बाय किया, ठीक है, ये स्टॉप लॉस था, टारगेट देख सकते हो हमारा 1:2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, राइट। अगर आप चाहो तो उसको ट्रेल कर सकते हो, तरीका आपका ट्रेल का क्या है, आप जो है हैकेनशी कैंडल के लो में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जैसे आपका 1:2 आ जाए उसी कैंडल का आप लो लगा देना। हमने मान लीजिए हमें हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो गया 1:2 का इस कैंडल में, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस जाएगा अब हम इस कैंडल का स्टॉप लॉस मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे ये कैंडल बड़ा हरा बना मैंने इसका लगा दिया, जैसे 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 हरा बना मैंने इसका लगा दिया, तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब हमें 2050 में हमने काट दिया, जो हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे 1900
2000 लेवल के आसपास, हमने 2050 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करी, ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिपोर्ट हमें मिल गया। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को बड़ा कर सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा दुआ, ठीक है। चाहो तो आप इसमें सेल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया ना, सेल में आपका दिक्कत यही है कि ये स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढने एज कंपेरिजन सेल की, राइट। तो अभी आप बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे स्टॉक्स में सेल बैठ मार के बैठ जाते हैं। तो आपको अगर सेल करना भी है तो प्लीज़ इस मूविंग एवरेज के नीचे आने का वेट करो क्लोज का, तब आप सेल करो। जैसे मान लीजिए इस कैंडल ने क्लोज करा, मैंने यहाँ सेल किया, यहाँ ट्रिगर हुआ, इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये कैंडल का हाई है, तो हमारा ये यहाँ पर स्टॉप हिट नहीं हुआ और हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में या किसी से पूछते हैं, तो आप सिंपली ये मूविंग एवरेज यूज़ करो, आपको पता ट्रेंड पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड कहाँ का है। तो जैसे देखिए नीचे आया, ठीक है, दोबारा ऊपर, ये यहाँ पर एक हरा कैंडल बना, एक क्लोज करा, बॉडी क्लोज करी, तो हमने यहाँ बाय करना है, मतलब इसका ट्रेंड आपका चेंज हो गया है। देखिए जैसे इसने करा, ये ऊपर से ऊपर की तरफ चले गया और हमारा 1:2 का टारगेट से अचीव करवा दिया। और दोबारा देखिए जैसे ये नीचे क्लोज करा इसने, इसके अंदर के नीचे, तो इसका ट्रेंड अब चेंज हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपने यहाँ सेल किया है, मान लीजिए अगर आपने किसी ने गलती से सेल कर दिया किसी के कहने में, तो आप सिंपली ये मूविंग एवरेज लगाए और देखें कि यह सच में ये सेल बनता है या नहीं बनता है। अगर सेल बनता है तो आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा, लेकिन आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, राइट। अब ये मत सोचना कि मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई में स्टॉप लॉस लगा दूँ, नहीं, जो स्टॉप लॉस है आप वही लगाओ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस में लगाओ, जैसे मैंने बताया ना 15 मिनट का, आप उसमें लगाओ, ठीक है। तो हमने यहाँ सेल किया, हम अभी भी बैठे हुए ट्रेड में, देखो हमें 1:2 का टारगेट मिल गया। जब अब दोबारा अगर आपको बाय करना है, तो आप बाय कब करना, जब इसके ऊपर ये क्लोज करे एक हरा कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे क्लोज करे आप बाय कर लेना, सिंपल। आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप किसी भी यूट्यूबर से सिंपल ये पूछो, सर इसका ट्रेंड क्या है, ये शेयर कहाँ जा सकता है, इसका स्टॉप लॉस क्या, टारगेट क्या है। आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की, सिंपल बोल रहा हूँ, ठीक है। आप सिंपल इस मूविंग एवरेज को यूज़ करो, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी यूट्यूबर से ये पूछने की, सर मेरा क्वेश्चन ले लो प्लीज़, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लो, प्लीज़ प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लो। आप सिंपली इस मूविंग एवरेज को यूज़ करो और आपको वो सब आप करना भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ इस मूविंग एवरेज का यूज़ करो, लगाओ, बताओ मुझे कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो में लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ ऐसा कुछ मूविंग एवरेज होता है जिसे हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, और हमें बार बार किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये शेयर कहाँ जाने वाला है, क्या हमारा टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सिंपली आप खुद अपने ट्रेड ले सकोगे और जज कर सकोगे कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको क्या चीज़ बचाती है, आपको बचाती है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका रिस्क कितना है। तो मैं बोलूँगा आप अपनी कैपिटल का सिर्फ 5% ही यूज़ करना, उससे ज़्यादा मत करना। अगर आप बोलोगे सर मेरी कैपिटल छोटी है, तो मैं सिंपल ये बोलूँगा मेरे भाई कि आप क्या करो, आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करो, राइट। इक्विटी में अगर आपको मौके मिलते बाय के तो बाय करो, और सेल देखो कैरी तो आप करके जा नहीं सकते सेल को, लेकिन आप इंट्राडे में सेल कर सकती हो, और अगर इंट्राडे प्रॉफिट होता है तो बुक कर लो, राइट। मैं ये बोलूँगा इंट्राडे में आप कैरी नहीं कर सकते, मुझे पता है, लेकिन आप उसको सेल तो कर सकते हो इंट्राडे में, लगातार 3-4 दिन आप सेल करो, प्रॉफिट आपको हो जाएगा। आप सिंपल ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तो अगर आपके पास कैपिटल छोटी है तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर जो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं जिनकी कैपिटल बड़ी है, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना मनी मैनेजमेंट ध्यान रख के ट्रेड करना, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की, स्टॉक का वैल्यू कितना है, और दूसरा स्टॉक अगर नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो, राइट। दोस्तों इस वीडियो को सिंपली मैं यहाँ समाप्त करूँगा इस बात से कि प्रॉपर अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना और डिसिप्लिन में रहना, और साथ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देख लिया होगा आपने, मैंने आपको रियल एग्जांपल दिया है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन आपको अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको बड़ा रखना है, कम से कम डबल रखना है, राइट। जब आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे तो आप उसको बढ़ा के ट्रिपल कर सकती हो, जैसे आपने देखा यहाँ पर आपको ट्रिपल भी मिला, आपको 4 टाइम्स भी मिला, 5 टाइम्स भी मिला, 6 टाइम भी मिला, कभी कभार आपको 10 टाइम्स भी मिला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे तो आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकोगे, ठीक है। तो सिंपली इस मूविंग एवरेज को यूज़ करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ आप इसको
हर जगह यूज़ करो, निफ्टी में यूज़ करो, बैंक निफ्टी में यूज़ करो, निफ्टी 20 में यूज़ करो, कोई भी स्टॉक में यूज़ करो, और मुझे बताओ अगर कुछ कमी होती है तो आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल में जाके क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी है विवेक नारायण 209, मतलब मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसका जो भी आपके सुझाव है मुझे नीचे कमेंट में बताओ, डेफिनेटली मैं उसको, आप अगर अच्छा लगेगा मुझे सुझाव तो डेफिनेटली ऐड करके आपको बताऊंगा कि हाँ आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपली इस तरीके से यूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आपको यूज़ करना है तो प्रॉपर आप ये यूज़ करना, बाकी अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है तो आप इसमें ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 9, जिसको मैं कहता हूँ बाप ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। अगर अच्छा लगा हो ठोको लाइक, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद, बाय बाय।